आदाब। है और भी दुनिया में सुखन भर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज एक नया कुछ और है। जिंदगी का सच भी यही है, कहने को लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन हरे का अंदाज बयां अलग है। किसी की बात हमारे दिल को चुभ जाती है तो किसी की कही हुई बात सीधे दिल में उतर जाती है। लोगों के दिलों में उतरने का यह हुनर सीखते सीखते जिंदगी गुजर जाती है। लोगों के दिलों में उतरने का एक हुनर हमने भी सीखा है, अपनी जुबानी नहीं अपनी मौसिकी से। वो मौसिकी जिसे दिलों के तार जुड़ जाए, वो मौसिकी जो राहत दे, वो मौसिकी जो जीने के मकसद बदल दे, वो मौसिकी जो दुआ भी है और दवा भी, वो मौसिकी जो टूटे हुए दिलों में नए अरमान जगा दे, बिखरी हुई दुनिया को पार करा दे और खोई हुई आस को फिर से जीने की नई राह दिखा दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूजिक थेरेपी की, एक ऐसी थेरेपी जो आपके कानों में रस घोल दे। आज के दौर के नौजवान नौजवान पीढ़ी, उन्हें जल्द ही सब कुछ पाने की चाह है, जिसमें वो हार सह नहीं सकते। अपनी जिंदगी को लैपटॉप का शटडाउन का बटन समझते हैं। जब तक चाहा दिन रात एक करके मेहनत की और जैसे ही हार सामने दिखी, शटडाउन का बटन दबा के अपनी जिंदगी को किनारा कर लिया। ऐसे ही लोगों को एक नई राह दिखाने के लिए हमने अपनी मौसिकी को अपना सहारा बनाया है और अब हमारे जीने का यही मकसद है, यही हमारे अल्लाह की चाह है। क्योंकि हमारे अल्लाह ने हमें यह हुनर दिया है लोगों को सेहतयाब करने का, एक नया रास्ता हम ज़ारा को सिखाकर पूरी दुनिया में फैलाकर